जी मैडम लगा रहा हूँ। इंसान अक्सर कमजोर लम्हों की जद में आके गलती कर बैठता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा उस पर फखर करने लगता है, वो संगीन गलती करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। इंसान को ठेस अपनों से ही पहुंचती है और इंतकाम लेने के लिए इंसान ऐसी ऐसी कार्रवाइयां करने पर उतर आता है जिन्हें देखकर इंसानी अकल भी दंग रह जाती है। जमाल, छोड़कर तो मेरा भी आपको जाने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें जनाब, टाइम देखें जरा। ओ नो, वाकई टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन हैरत है यार, जब तुम साथ होती हो वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन वक्त के साथ साथ सबको सब कुछ पता चल जाता है, so we have to be careful। क्या तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा शौहर और मेरी बीवी हम दोनों को तलाश करते ऑफिस ही ना आ जाए। लेकिन जवाब, आपको एक सच्ची बात बताओ, मुझे भी ऑफिस में यू लेट नाइट मिलना पसंद नहीं है। इतने घर बनाए, इतने घर सेल किए, एक भी अपने लिए नहीं रखा, कम से कम एक फ्लैट तो अपने लिए रख लेते। आइडिया बुरा नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिलेंगे। सो स्वीट, थैंक यू। चले आप। शौकत, मेरा सर तो दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है।
जी मैडम, अभी सारा दर्द खत्म हो जाएगा। लगता है कि जमाल साहब अभी तक नहीं आए। होगा कहीं किसी गर्लफ्रेंड के पास, उसको क्या पता उसकी बीवी किस हाल में है। ऐसा मैडम बड़ी अजीब बात है कि मुझे समझ नहीं आती उनकी, आप जैसे इतनी खूबसूरत बीवी है और वो फिर भी। शुक्र, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ आप मैडम सच में इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों की तारीफ नहीं ना करनी आती। शुक्र एक तुम ही तो जिसकी वजह से मैं हंसती रहती हूँ। वरना तुम्हारे साहब तो मुझे ज़हनी मरीज बना दें। बस आप मैडम ऐसे ही हंसती रहा करें। वाह शुक्र, तेरे हाथों में जादू है, सारा सरदर्द ही चला गया। ओ, कहते हैं ना मैडम कि जो भी काम दिल से करें ना असर रखता है वो। पर तुम हर काम दिल से किया करो। जी जहाज़ेब, कभी तो होश में घर आ जाया करें। तुम्हारी हरकतें मुझे होश में आने नहीं देती। जहाज़ेब, आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रहे हैं? सब जानता हूँ, नशे में हूँ, लेकिन इतना होश है मुझे कि दुनिया भर के दफातर कब खुलते और कब बंद होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा काम ऑफिस में लेट नाइट खत्म होता है। लेट नाइट काम? मेरी चुप का इम्तिहान ना लो। बच्चा समझती हो मुझे? सब जानता हूँ ऑफिस में क्या करती हो तुम। इनाफ, बंद करो अपनी बकवास। तुम अपनी बीवी पर ऐसी तोहमतें लगा कैसे सकते हो? जस्ट शट अप। और कौन सी बीवी अपने शोहर के साथ ऐसे बात करती है? मियां बीवी के रिश्ते की बुनियाद प्यार, इज्जत और एतमाद की बुनियाद पर होती है, लेकिन जहां सबा और जहाज़ेब ने अपने इस मजबूत तरीन रिश्ते को कमजोर कर दिया, वहीं फरवा भी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकने को तैयार थी। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? भयानक हकीकतें आखिर किस तरह से हुई आश्कार? इस कहानी के सभी किरदारों ने आखिर किस तरह से किया भयानक रूप इख्तियार, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मैम एक मर्डर की इत्तला मिली है। कहाँ पर? शहर से बाहर मेन रोड के करीब एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग में खातून की लाश मिली है। चलो। क्या?
क्या हो गया, दबा क्यों नहीं रहे? वो सब्जी मैडम की कुछ तबीयत खराब थी तो इन्होंने कहा था सर दबाने के लिए। या कोई इसको वर्गला कर लाया है या कोई गन पॉइंट पर लाया और कत्ल कर दिया। मैडम की कुछ तबीयत खराब थी तो इन्होंने कहा था सर दबाने के लिए। उनको क्या लगे? यार कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? अभी पहुंचाऊंगा। तुम रो रही? यार मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ। आज फिर इसने नशे में मुझ पर हाथ उठाया। तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? उसकी ये जरूरत? शोहर है मुझे, बस इसी बात का मान है उसको। लेकिन अब बस बहुत हो गई, मुझे तुम्हारे साथ रहना है और तुम्हें कोई फैसला करना होगा। सोचता हूँ कुछ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, बताता हूँ। मैम एक मर्डर की इत्तला मिली है। कहाँ पर? शहर से बाहर मेन रोड के करीब एक ज़ेर तामीर बिल्डिंग में खातून की लाश मिली है। चलो। लाश की हालत देखकर तो लगता है इसे मरे हुए चंद घंटे ही हुए हैं। लगता है लड़की ने ड्रिंक भी की हुई थी, कपड़े भी फटे हुए हैं, शायद कत्ल से पहले मजामत हुई या कुछ और। चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है, लगता है किसी भारी भरकम चीज से चेहरे पे वार किए गए हैं। चेहरा नाकाबिले शनाख्त है। मैडम ये देखें, ईंट पे कुछ खून लगा हुआ है, लगता है इसी के साथ वार किया गया है। कुछ और मिला? कोई लेडीज बैग, मोबाइल या कोई और शनाख्त वगैरह? नहीं मैडम, ऐसा तो और कुछ भी नहीं मिला। ओके मैडम। मैम ये जगह शहर से काफी बाहर है, तहम फूला वाली गांव इसके बिल्कुल पास है। इसके कपड़े देखकर तो नहीं लगता कि ये किसी गांव की है। हाँ अलबत्ता ये किसी गांव में किसी के पास मेहमान आई होगी, या कोई इसको वर्गला कर लाया है या कोई गन पॉइंट पर लाया और कत्ल कर दिया। मैम बज़ाहिर तो कोई निशानी नजर नहीं आ रही, ताहम इसने जो शर्ट पहन रखी है आई थिंक ये ब्रांडेड है, हो सकता है हमें इससे कोई क्ल्यू मिल सके। इसके बारे में करीबी गांव से पता करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप करीबी थानों से पता करें किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखवाई। ओके मैडम। पुलिस को एक जवां साला खातून की लाश मिली थी। सवाल ये उठता है कि आखिर इस जवां साला औरत को किसने उतारा मौत के घाट? कातिल ने किस तरह से उस औरत को मौत के घाट उतारने के बाद छुपाई थी लाश?
शर्ट पे लगे टैग से आखिर किस तरह हुआ इस तफ्तीश का आगाज, ये सब हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। क्या बात है जान से, आपको मैंने पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हें बताना जरूरी है हर बात, जो अपना काम करो, जिंदगी जाब बना दी है मेरी। मैम मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गला दबाकर मारा गया और फिर बाद में ईंटों के वार किए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। मैम मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की को गला दबाकर मारा गया और फिर बाद में ईंटों के वार किए गए हैं। लगता है कातिल किसी इंतकाम की आग में जल रहा था या फिर इश्नात मिटाना चाह रहा था। मेडिकल के मुताबिक लड़की की उम्र 28 से 30 साल के बीच है। और कुछ ज्यादती वगैरह? नहीं मैम, आसपास के थानों में दर्ज मिसिंग कंप्लेन में इस खातून से कोई भी मैच नहीं करती। आसपास के गांव से कोई मालूमात मिली? मैम गांव से छानबीन कर ली है, इस लड़की को कोई नहीं जानता, ना ही वहां पर किसी गारमेंट शॉप पर ऐसी शर्ट मौजूद है, ना ही किसी डीलर को पता है। शर्ट पर लगे टैग पर जो नाम लिखा है उसको नेट पर सर्च करो, शर्ट रेडीमेड है, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिल जाएगा। ओके मैम। जी मिसेज यावर, कैसे याद किया आपने? कल मैं जरा बिजी हूं लेकिन आपका डिनर कैसे मिस कर सकता हूं। नहीं मिसेज नहीं आई, मैं अकेला ही हूँ। वो दरअसल किसी ऐसी जगह सैर सपाटे पे गई है, उनका आना आसान नहीं है। एनीवे मैं कल आऊंगा तो फिर बताऊंगा। ओके। यस मिल गया, ये तो कराची का ब्रांड है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। जीरो ट्रिपल थ्री। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैम जिस ब्रांड की वो शर्ट थी उनसे रابطہ हो गया। वेल डन, क्या अपडेट है? मैम इनका कोई आउटलेट नहीं है, ऑनलाइन ही सेल करते हैं, लेकिन इस शर्ट के सिर्फ 5 ऑर्डर ही डिलीवर हुए थे। फैब्रिक में कोई कंप्लेन थी इसलिए कंपनी ने मजीद ऑर्डर रोक दिया। मतलब ये शर्ट ऑनलाइन सिर्फ 5 लोगों ने खरीदी, मजीद डिटेल क्या है? मैम पांचों खवातीन का नंबर डिटेल सब मिल गया है, बस अभी कॉल करनी है। वेरी गुड, इन पांचों में जिन 4 से रابطہ होगा वो यकीनी तौर पर जिंदा हैं, और जिससे रابطہ नहीं होगा वो वही लड़की है जिसकी लाश मिली। और इनके सबके एड्रेस हमारे पास मौजूद है,
वेल डन। क्या मुसीबत है, कॉल अटेंड करो। क्या बात है जहां से, आपको मैंने पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। तुम्हें बताना जरूरी है हर बार, जो अपना काम करो, जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। जिंदगी तो आपकी वापस आती है जब तक हार जाती। मियां बीवी का रिश्ता एक दूसरे के साथ साथ निभाने का, एक दूसरे के साथ चलने का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। ये तो एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे। सबा का शौहर आखिर क्यों था परेशान? फरवा के ड्राइवर को कौन सा खौफ था लाहक? फरवा कहाँ थी गायब? बिजनेसमैन जमाल आखिर आसपास के लोगों से किस बात को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था? डांस पार्टीज और गैर इखलाकी तालुकात के गिर्द घूमती इस कहानी का आखिर क्या हुआ अंजाम, ये सभी हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। पिछले दो घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, नंबर भी तुम्हारा बन जा रहा है। मिसेज वकार के यहां डिनर पर जाना था और तुम आज फिर पार्टी अटेंड करने चली गई। यू शट अप, जो करती हूँ अपने बाप की कमाई से करती हूँ। वो जो कोई भी है नहीं बचेगा। लेकिन बड़े लापरवाह इंसान हैं आप। आपकी बीवी पिछले 4 दिनों से गायब थी और आपने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए। ये जिस किसी ने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो जो कोई भी है नहीं बचेगा। लेकिन बड़े लापरवाह इंसान हैं आप। आपकी बीवी पिछले 4 दिनों से गायब थी और आपने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई। इसकी वजह वो खुद आप है। जब उसे खुद अपनी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्या कर सकता। क्या मतलब है आपका इस बात से? वो अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी थी, कभी कोई सोशल वर्क, दोस्तों के साथ पार्टी, ड्रिंक, लेट नाइट एक्टिविटीज़, इसी वजह से कई बार मेरा उसके साथ झगड़ा हो चुका है। पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, नंबर भी तुम्हारा बन जा रहा है। मिसेज वकार के यहाँ डिनर पर जाना था और तुम आज फिर पार्टी अटेंड करने चली गई। पार्टी कैसे छोड़ सकती हूँ जमाल, सब दोस्त इकट्ठे। तुम्हें कितनी बार रोका है ड्रिंक मत किया करो। तुम कॉलेज गर्ल नहीं हो, बीवी हो मेरी। हद है जमाल, पैसा तुम्हारे पास आ गया लेकिन दिमाग वही लग रहा। शट अप। यू शट अप, जो करती हूँ अपने बाप की कमाई से करती हूँ। मुझे लेक्चर देने की जरूरत है, ओके? और इसी वजह से आपने उसको मार डाला। नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे लगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे चली गई हो। मैं गुस्से में था
इसलिए उसे कॉल नहीं किया। कौन से फ्रेंड्स हैं ऐसे? कौन सी पार्टीज पे जाती थी? मैं नहीं जानता, वो मेरा ड्राइवर है ना शौकत, उसी के साथ जाती थी, वही उसे वापस ले गया। ये शौकत कहाँ मिलेगा इस वक्त? घर में ही होगा, पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। अगर आप कहें तो मैं उसे यहीं बुला लूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट हम सब यहीं पे चलते हैं। आए जी मैडम, ये सच है कि मैडम फरवा बहुत ड्रिंक करती थी और वो जब पार्टी से वापस आती थी तो मेरे लिए उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तुम उसके साथ कभी किसी पार्टी पे गए थे? अरे मैडम, मैं कैसे जा सकता था? तुम्हें उस जगह की पहचान तो होगी ना? जी मैडम, लेकिन कौन सा कमरा या कौन सा फ्लैट है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, उस बिल्डिंग के बाहर जहाँ सब लोग निकल रहे होते थे और जहाँ से मैं मैडम को पिक करता था, मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ। फरवा के किसी क्लोज फ्रेंड को जानते हो आप? कोई ऐसा जो उस पार्टी में आता जाता हो? जी, एक था मैडम के बहुत ही क्लोज, और ये बात मैंने कभी साहब को भी नहीं बताई। मुझे लगता था कि मैडम का और उस आदमी का बीच में गहरा ताल्लुक था। क्या नाम है उसका? जहांजेब। ये जहांजेब कहाँ रहता है, कुछ मालूम है तुम्हें? सर ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो हर वीकेंड पर पार्टी करने ज़रूर आता है, तो मैं वो आपको जगह दिखा सकता हूँ, जैसे वो निकलेगा तो मैं उसकी निशानदेही कर दूँगा। तो आज वीकेंड है, इसका मतलब वो ज़रूर आएगा। यस सर। नाइट पार्टी से वापस आने वाला जहांजेब तो पकड़ा गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फरवा के कत्ल के पीछे जहांजेब का हाथ था या फिर इस कत्ल की वारदात में कोई और शख्स इन्वॉल्व था। मालिकन फरवा और ड्राइवर के दरमियान क्या ऐसा कोई गैर इखलाकी ताल्लुक था जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था? जमाल जो अपनी बीवी के रवैये से इंतहाई तंग था, क्या उसने तंग आकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया या फिर इस कत्ल की वारदात के पीछे किसी और का हाथ था? या फिर ये भी हो सकता है कि फरवा खुद अपने कत्ल की जिम्मेदार थी? ये सभी सवाल तो हैं, लेकिन इनका जवाब आपको हम आज के एपिसोड में नहीं दे सकते। हमारे इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे अगले शो को जरूर देखिएगा। फिलहाल जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।